देखो बेटा, इस प्रॉब्लम में कॉस 2 अल्फा माइनस बीटा है। इसको लिख लेते हैं, 2 cos² अल्फा माइनस बीटा माइनस 1 4 ab तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन थीटा प्लस बीटा, और ये हो गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें थोड़ा सिंपलीफाई बनाने के लिए क्या करता हूँ, साइन थीटा जो थीटा प्लस अल्फा है ना, इसको मैं थीटा 1 एज्यूम कर लेता हूँ, थीटा प्लस बीटा को मैं थीटा 2 एज्यूम कर लेता हूँ, तो जो अल्फा माइनस बीटा होगा वो हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, cos² θ1 माइनस थीटा 2 4 ab हो जाएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब इसमें इस 1 मिनट इसको एज इट इज रखते हैं, cos² θ1 माइनस 2θ2 है ये, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं 2 cos A cos B का, 2 sin A sin B का, तो ये हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A+B इंटू cos θ1 माइनस थीटा 2। तो इसको हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा देते तो cos θ1 माइनस थीटा 2 माइनस 1 होगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos² θ1 माइनस थीटा 2 प्लस 2 cos θ1 प्लस थीटा 2 इंटू cos θ1 माइनस थीटा 2। देखो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो रहा है -1 प्लस 2, ये होगा cos² θ1 माइनस sin² θ2। अब देखिए यहाँ से जो साइन थीटा प्लस अल्फा दैट इज साइन थीटा 1 ए था और साइन थीटा 2 बी है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो cos² θ1 तो हो जाएगा 1 माइनस sin² θ1 और sin² θ2 ये है। सिंप्लीफाई करिए तो 2 माइनस 1 वन हो गया, 1 माइनस 2 a² माइनस 2 b² ये आंसर हो गया, बी ऑप्शन।